खबर के सह प्रायोजक है संस्कार वैली एकेडमी स्कूल महरौनी रोड मसौरा कला ललितपुर। देखिए ललितपुर का बड़ा दुर्भाग्य है कि हिंदुस्तान नहीं एशिया में सबसे ज्यादा डैम अगर कहीं है तो ललितपुर जिले में है, और यहाँ गोविंद सागर डैम जो नगर की जल आपूर्ति करता है वहाँ पर्याप्त मात्रा में पानी है, उसके बावजूद हम लोग हर साल चिल्लाते हैं लाखों करोड़ों रुपया पानी की जो लोगों की प्यास बुझाने के लिए जल संस्थान और जल निगम को दिया जाता है, उसके बावजूद आज पूरा नगर प्यासा है और जहाँ कहीं भी थोड़ा बहुत पानी नसीब भी हो रहा लोगों के लिए तो वो गंदा मिल रहा है, मैला पानी आ रहा, बिल्कुल क्रीम कलर का पानी आ रहा, उसमें कहीं थोड़े थोड़े छिछड़े टाइप ऐसे आ रहे हैं, तो ये प्रशासन को भी देखना चाहिए। कोरोना के साथ साथ स्वास्थ्य के लिए और भी चीजें हैं, इनकी लड़ाई भी प्रशासन लड़े, जल निगम जल संस्थान ये दोनों इस तरह फेल हो गए इस बार कि लोगों में त्राही त्राही मची है, लोगों को बड़ी दूर जा जाके हैंडपंप से पानी लाना पड़ रहा, कुओं से पानी भर रहे, वो मैं ये लग रहा जैसे कि आज से 40 साल पहले युग में चले गए हों ललितपुर वासी। मटका फोड़ प्रदर्शन तो आज भी था, प्रशासन ने आग्रह किया कि आप प्रदर्शन को टाल दें, हम लोग जल आपूर्ति की पूरी व्यवस्था कराएंगे। मैं आपको बता दूं कोरोना ललितपुर में फैलना शुरू हुआ, हम लोग भी नहीं चाहते कि हम लोग प्रदर्शन करें, लेकिन हम लोग मजबूरी में, अगर अब पानी की व्यवस्था नहीं सुधरी तो हम लोगों को मजबूरी में जल संस्थान जल निगम का घेराव करना पड़ेगा, साथ में हम मटका फोड़ प्रदर्शन भी करेंगे और जरूरत पड़ी तो हम लोग गिरफ्तारी भी देंगे। यही तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारा ललितपुर इतने डैम होने के बाद भी हमें स्वच्छ पानी नहीं मिलता है, अगर स्वच्छ पानी मिले तो हमारे जिले की जनता काफ़ी हद तक स्वस्थ रह सकती है। अरे पानी की जो व्यवस्था ललितपुर में ध्वस्त है, जगह जगह जो ये लीकेज हो जाता है, इसकी कभी भी जल संस्थान इसको देखता नहीं है। कोरोना में सबसे अधिक महत्वपूर्ण अगर पानी स्वच्छ मिलता है हर एक इंसान को तो वो काफ़ी हद तक स्वस्थ रह सकता है। प्रशासन से यही मांग की गई है कि पानी पर जोर दिया जाए, कि पानी की जहाँ जहाँ लीकेज है इसको सही कराया जाए, वाटर बक्स में जल संस्थान में भी देखा जाए कि इस पानी में जहाँ से भी अच्छी क्वालिटी बन सके इस पर जोर दिया जाए। जनता को शुद्ध पानी नहीं मिल पा रहा है, ये भी पूरे हमारे शहर के लिए एक चिंता का विषय है और प्रशासन को चाहिए तत्काल पूरी जनता के लिए शुद्ध पानी की व्यवस्था की जाए, यही हमारी प्रशासन से आग्रह है, निवेदन है।